नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र में चल रहे शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। जानकारी अनुसार बरही थाना क्षेत्र खिरहनी और छिंदिया टोला में पारदियों के डेरे पर चल रहे कच्ची शराब के अवैध व्यापार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया और उसे नष्ट कराया है। आपको बता दें कि कटनी अधीक्षक मयंक अवस्थी के मार्गदर्शन में एसटीओपी शिखा सोनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी संदीप अयाची एवं पुलिस बल के द्वारा खिरहनी और छिंदिया टोला में कच्ची शराब के अवैध ठिकाने को ध्वस्त कराया गया है। लगभग 30 क्विंटल महुआ लहान एवं 3000 लीटर कच्ची शराब को पारदियों ने गड्ढे में छुपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने नष्ट करा दिया है। इस कार्रवाई से शराब बेचने वालों में हड़कंप मचा है। बड़ही से संवाददाता संदीप स्वर्णकार की रिपोर्ट। चलो बस हो गया। संपूर्ण बरही थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस फ्लैग मार्च के दौरान खिरहनी, जहाँ पर पारदियों का डेरा है, वहाँ पर एसडीओपी विजय राघव शिखा सोनी मैडम के नेतृत्व में और हम सभी ने वहाँ पर प्रॉपर घेराबंदी करके छापा मारा, जिसमें लगभग 30 क्विंटल लाहन, लगभग 3000 लीटर के आसपास लाहन जो है वो नष्ट किया है। पारदियों ने वो लाहन जो है वो कुएं के अंदर कचड़े के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके रखा था। उसे मस्त पुलिसकर्मियों द्वारा उसको खोद के निकाल के और उसको तोड़ा गया है। घरों में भी जो लाहन मिला था उसको भी तोड़ा गया। आसपास जो गड़ा हुआ लाहन मिला था वो भी तोड़ा गया है। एक बड़वारा का लड़का भी पकड़ा है अवैध शराब के साथ में, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी मात्रा में शराब मिली है। इसके अलावा जब फ्लैग मार्च पूरे क्षेत्र में घूमता हुआ छिंदिया टोला में भी जब आया तो वहाँ भी पारदी डेरों पर छापा मारा और वहाँ भी थोड़ा लाहन नष्ट किया है। इस पर आज जो फ्लैग मार्च के दौरान जो छापामार कार्रवाई की गई, इससे अवैध शराब विक्रेताओं और पारदियों पर काफ़ी नकेल कसी गई। लाहन तो नहीं रखते वो जेल यहीं से 3400 में गई। सब दारू, सब दारू बहुत अच्छी निकालो। दारू है? फोटो खींचो। दारू है।